हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कॉल करने की एक सीक्रेट सेटिंग के बारे में। कॉल तो आप सब करते हैं, ठीक है फ्रेंड। हमारे फोन में एक पावर बटन होता है, जे वाला बटन होता है। अगर इसको आप दो बार प्रेस करोगे तो उसके बाद एक पॉपअप खुलेगा, उसके बाद आप जिसका भी नाम लोगे तो उसको कॉल ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अभी आपको बार बार सर्च बार में जाके नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका पूरा का पूरा काम अभी आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, वो मैं बताऊंगा अभी कहाँ से डाउनलोड करनी है। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ ये कैसे काम करती है। जैसे ये इसको एप्लीकेशन को मैं खोल लेता हूँ। जैसे फ्रेंड मैंने इसको खोल लिया, ये कुछ अलाउ की परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर दीजिए, जहाँ जैस गो अहेड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे फ्रेंड ये चला हो जाती है तो उसके बाद ये अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करके हम दोबारा अपने एप्लीकेशन पे आते हैं, जहां लिखा है गो टू एक्स्ट्रा परमिशन, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो नीचे तो दोनों ग्रीन टिक हो गए हैं। जो ऊपर वाले इसको हमने क्या कर देना है, जहां ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कर देना है, तो ग्रीन टिक हो जाएगा सभी को। जो ऊपर वाले तीनों तीनों को ऑलवेज अलाउ हमने कर देना है, ठीक है फ्रेंड। अभी इसका सेटअप कंप्लीट हो गया है, अभी आगे दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शन आता है। जैसे फ्रेंड ये एक एप्लीकेशन अभी ओपन हुई हुई है, अभी इसकी हमने क्या सेटिंग करनी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोबारा मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ। एप्लीकेशन खोलने के बाद फ्रेंड ये इसको हमने क्या करना है, जैसे डबल बार दो बार क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ये कुछ इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा। जैसे देखेगा जहां आपने बोलना है समूह, ठीक है फ्रेंड। ये देखो जो भी हम मैंने नाम बोला है तो जहां पे ये आ चुका है। अभी फ्रेंड आपने क्या करना है, सिंपली क्लियर बोलना है। इसमें आपने ये सेकंड वाले ऑप्शन पे, थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है, जहां पे आपने इसको कम ज्यादा कर सकते हो कि कितने समय के बाद आपने दूसरा प्रेस करना है। एक बार प्रेस करना है, दूसरी बार प्रेस करना है, उसके बीच का ये समय बताया गया है, ठीक है फ्रेंड। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फ्रेंड एक ये पहला ऑप्शन होता है, इस पे क्या होता है, अभी बोलने के बाद कितने सेकंड के बाद हमारी कॉल लगनी चाहिए। फिलहाल इसको मैं अभी 3 सेकंड कर देता हूँ। आप चाहो तो इसका समय कम ज्यादा कर सकते हो। तो जहां पे ये इसका जो आई बटन में इसके बारे में बताया गया है, जो भी ये एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जो जेवा ऑप्शन है इस पे बताया हुआ, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली वो स्पीकर ऑन हो जाएगा, ये एक्चुअली वर्क नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। इसको फिलहाल इतने ही रहने देते हैं। अभी मैं दो बार इसको प्रेस करूंगा, एक दो, जैसे दो बार प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा समूह। ये देखो मैंने समूह बोला है, अभी 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये कॉल लग चुकी है ना फ्रेंड, बड़ी कमाल की ट्रिक। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है फ्रेंड, ये एप्लीकेशन को आपको ओपन रखना पड़ेगा। जैसे इसको हटाते हैं, इसके हटाने के बाद अगर मैं दो बार प्रेस करता हूँ, दो बार प्रेस करने के बाद फ्रेंड जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो मैं दो बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इसको काम करने के लिए इसको हमेशा ही आपको ओपन रखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको ओपन रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा भी आपका डाटा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आपने इंस्टॉल करने के लिए इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाके तो आपने क्या करना है, वो कॉलर डालना है सर्च बार में। जैसे आपने सर्च बार में वो कॉलर डाल दिया तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएगी। मैंने इंस्टॉल कर रखा, नहीं तो यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है ना फ्रेंड, बड़ी कमाल की ट्रिक। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं तब तक आगे वीडियो च, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल।